Good morning, friends. My name is Professor Saurabh Bajaj, and I welcome you all to the fifth episode of our series Think Smart with Professor Bajaj. दोस्तों, last week हमने बात की थी एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम था Lying is Good. We wholeheartedly thank you for all your love and support that you have shown to the video by liking, sharing and subscribing to the channel. This week we have come up with a very unique topic, that is, what are the four ways in which men can handle it? Handle it? किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? Of course, we are talking about stress and anger. दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि stress और anger तो सभी में होता है, तो फिर हम सिर्फ men की बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि the way women handle stress is quite different, and you will be surprised to know they are better equipped to handle stress and anger. विश्वास नहीं होता आपको? चलिए कुछ statistics मैं आपसे share करता हूँ. यदि इस दुनिया में 100 लोग heart attack से मर जाते हैं, तो उसमें से more than 61% are men and less than 39% are women. इससे आपको पता चलेगा कि women can handle stress and anger much better, whereas men take it too much to their heart and it affects their health. So we are going to talk about the four different ways in which men try to handle stress and anger. The first way or the first type is the walking volcano. Friends, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें जब गुस्सा आ जाता है तो वो हर उस इंसान पे बरस पड़ते हैं जो उनके सामने आता है. वो ये भी नहीं देखते कि भले ये इंसान ने वो गलती की भी है या नहीं, या इस पे उतना गुस्सा करना भी चाहिए या नहीं. उन्हें बस एक ही चीज़ पता है, अभी मेरे अंदर गुस्सा है, मुझे इसे बाहर निकालना है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसके ऊपर ही बाहर निकाल दूंगा. क्या ऐसे लोगों को सब लोग पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे हम इस इंसान के सामने जाएंगे वो हमारे ऊपर बरस जाएगा. तो क्या हम कह सकते हैं कि ये लोग अपने स्ट्रेस एंड एंगर को ठीक से हैंडल कर रहे हैं? सरप्राइजिंगली, टू सम एक्सटेंट, यस. व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट वो अपने एंगर को सप्रेस नहीं कर रहे, वो उसे बाहर निकाल रहे हैं, वो अपने किसी न किसी पे व्यक्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनके हार्ट को असर नहीं कर रहा है. लेकिन ये क्या पूरी तरह से सही तरीका है? नहीं, क्योंकि इसमें आप ऐसे भी लोगों के ऊपर में उसे निकाल रहे हैं जो उसको डिजर्व नहीं करते हैं. कई बार इन लोगों को जाके लोगों से कहना पड़ता है, सॉरी बॉस, आपको मैंने बहुत गुस्से में कुछ बोल दिया, जबकि आपके ऊपर वो गुस्सा करना जायज़ भी नहीं था. लेट्स कम टू द टाइप नंबर टू. इसे हम कहते हैं द हाई ऑन स्पिरिट्स टाइप. दोस्तों, कुछ लोग आपने देखे होंगे जिन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इन्हें अपने सोशल और प्रोफेशनल इमेज की बड़ी चिंता होती है, इसलिए ये हर किसी पे अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते और इसे अंदर ही अंदर सप्रेस करते. लेकिन जब जब इन्हें वेंट आउट करने की ज़रूरत होती है, तो ये बीच बीच में दोस्तों के साथ में जाके या अकेले में थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, और इस अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से थोड़ा सा ये अपने आप को वेंट आउट करने में कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं, और यहाँ पे जाके ये अपना गुस्सा बाहर निकालते हैं. जो भी इनके सामने होता है उसके ऊपर खूब गुस्सा करते हैं, खूब चिल्लाते हैं, और फाइनली थक के सो जाते हैं. नेक्स्ट डे मॉर्निंग इन्होंने अपना सारा गुस्सा, अपने सारे इमोशंस तो वेंट आउट कर दिए होते हैं, लेकिन इन्हें फिर रियलाइज़ होता है कि कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, क्योंकि इन्हें याद नहीं रहता है कि इन्होंने कौन से वर्ड्स यूज़ किए थे. तो ये थोड़ा सा एपोलॉजेटिक हो जाते हैं, ये जाके उस पर्सन से बोलते हैं कि पता नहीं कल मैं ड्रंक था, आपको क्या क्या बोल दिया, शायद इतना कुछ बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था. इस तरीके को हम क्या कहेंगे दोस्तों, सही या गलत? कुछ हद तक हम इसे सही कह सकते हैं, इसलिए कि एक तरह से जो इमोशंस आपने अपने अंदर सप्रेस किए थे उसे आपने एक वेंटिलेट कर दिया, अपने अंदर से बाहर निकाल दिया. लेकिन क्या ये तरीका हर बार काम करेगा? शायद नहीं. क्यों? क्योंकि एक तो चॉइस ऑफ वर्ड्स आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता कि नशे में आप क्या बोल रहे हैं. कई बार अगर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जिससे कुछ इररिपेरेबल डैमेज हो गया, तो आप उसे वापस नहीं ले पाएंगे. और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे आप अपने माइंड से, अपने हार्ट से थोड़ा स्ट्रेस तो कम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर ये कंजम्पशन आपको अगेन एंड अगेन करना पड़े,
तो वो आपके दूसरे बॉडी पार्ट जैसे कि आपका लिवर उसको डैमेज करना शुरू कर देगा। टाइप नंबर 3, द काम ऑन सरफेस टाइप। दिस कैटेगरी इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉमन कैटेगरी दीज डेज। क्यों? ये उस तरह के लोग हैं दोस्तों जिन्हें अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्योंकि इन्हें अपने सोशल और प्रोफेशनल इमेज की बड़ी चिंता होती है, ये गुस्सा किसी पे भी जाहिर नहीं करते। और अनलाइक द प्रीवियस कैटेगरी, ये अल्कोहल का कंजम्पशन करके भी अपने गुस्से को किसी के ऊपर निकालते नहीं हैं या किसी के ऊपर जाहिर नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि इनके सारे इमोशन, सारा स्ट्रेस, सारा एंगर अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है और उनके हार्ट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करने लगता है। दीज आर द पीपल हु आर हाईएस्ट प्रोन टू हार्ट अटैक्स। हमने जिन नंबर्स की बात की कि बहुत सारे लोग जो हार्ट अटैक का शिकार होते हैं वो इसी कैटेगरी से आते हैं दोस्तों। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये लोगों को दुनिया बहुत पसंद करती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ये अपने गुस्से को बाहर नहीं आने देते, किसी को ब्लास्ट नहीं करते, किसी पे शाउट नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग डैमेज होते जा रहे हैं। नाउ देयर इज़ अ वेकअप कॉल माय डियर फ्रेंड्स। आप में से जो मेन इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि अपने स्ट्रेस और एंगर को अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं, आपको लगता होगा कि दुनिया तो मेरी बड़ी तारीफ करती है, इसका मतलब मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा कि ये प्रेशर कैसे अंदर ही अंदर आपके हेल्थ को डैमेज करते जा रहा है। और यदि आप एक वुमन हैं जो ये वीडियो को देख रही हैं और आपके परिवार में या आपके सर्कल में ऐसे कोई मैन हैं, हो सकता है आपके हस्बैंड हो सकता है आपके सन हो, जिनकी ये पर्सनालिटी है कि वो किसी को ब्लास्ट नहीं करते हैं, किसी पे शाउट नहीं करते, लेकिन उन्हें जो गुस्सा आता है उसको वो अपने अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं, नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेल देम कि इस गुस्से को अपने अंदर ना दबाएं, क्योंकि वो उनके हेल्थ को अफेक्ट करेगा, उनके हार्ट पे बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करेगा, एंड अल्टीमेटली इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट यू एंड योर फैमिली। टाइप नंबर 4, द एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टाइप। आज की डेट में इस कैटेगरी में बहुत कम लोग हैं दोस्तों, लेकिन हम चाहेंगे कि ये कैटेगरी ग्रो करे। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अपने माइंड पे थोड़ा सा कंट्रोल गेन किया है। व्हेन आई से कंट्रोल ऑन माइंड, आई एम नॉट नेसेसरीली सेइंग कंट्रोल ऑन एंगर एज वेल। ये वो लोग हैं जिन्हें पता है कि कब कितना गुस्सा जाहिर करना है या कब कितना गुस्सा आना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इस कैटेगरी के लोग किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो वो गुस्सा नहीं होते हैं या चीखना चिल्लाना नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है उनके चीखने चिल्लाने से ट्रैफिक तो कम नहीं होने वाला या ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाला, इसलिए वो रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते हैं और अपने माइंड को काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उनका गुस्सा करने से कुछ पॉजिटिव बदलाव आने वाला है, लेट अस से वो एक एयरपोर्ट पर गए हुए हैं और एयरपोर्ट पे वो देखते हैं कि एक सिंगल काउंटर है और वहाँ पे बहुत लंबी क्यू है, तो वहाँ पे वो अपना गुस्सा ज़रूर जाहिर करेंगे और एयरलाइन कंपनी को बताएंगे कि भाई बहुत लंबी क्यू हो चुकी है, एक या दो काउंटर आपको और खोलने चाहिए जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। यहाँ पे वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अपना गुस्सा जाहिर करने से कोई पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। इंटरेस्टिंगली, क्या इन लोगों को ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं आता है जिनके सामने वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते? डेफिनेटली आता है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने से पहले ये लोग अपने आप से दो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, यदि मैं अपना गुस्सा एक्सप्रेस करूँगा तो क्या ये सिचुएशन पॉजिटिवली चेंज होगी? दूसरा सवाल, अगर मैं अपना गुस्सा एक्सप्रेस करूँगा तो क्या ये सामने वाले पर्सन की लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएगा? अगर दोनों में से किसी भी एक सवाल का जवाब हाँ है, तभी ये लोग अपना गुस्सा उसके सामने एक्सप्रेस करते हैं, और यदि ना है तो ये इस गुस्से को अपने पास ही रख लेते हैं एक एनर्जी की तरह, और फिर इस एनर्जी को क्रिएटिवली यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मे बी टू राइट अ पोएट्री, मे बी टू राइट अ स्टोरी। सम ऑफ द पीपल ऑल्सो यूज दिस एनर्जी टू एक्सेल इन सम फिजिकल एक्टिविटीज़। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने अपने गुस्से को सेव किया हुआ था एक एनर्जी की तरह, और फिर जब उन्हें परफॉर्म करना था तब इसी एनर्जी को उन्होंने यूज़ किया टू डबल द परफॉर्मेंस। सो द मेन ऑफ दिस टाइप आर पॉपुलर टू अ गुड एक्सटेंट, क्योंकि लोगों को पता है कि ये हर किसी पे गुस्सा नहीं करते, बट दे आर ऑल्सो नॉट ट्रीटेड लाइक अ डोरमैट।
वाई? बिकॉज दे आर वोकल. लोगों को पता है कि जहाँ पे सही होगा वहाँ पे ये गुस्सा एक्सप्रेस भी करने वाले हैं. सो इफ यू लुक एट इट आउट ऑफ द फोर टाइप्स, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स टू हैंडल स्ट्रेस एंड एंगर. लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंड, आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट बी एंग्री. आई एम नॉट सेइंग दैट एंगर इज बैड इन टोटैलिटी. ऑल आई एम सेइंग इज इफ वी कैन हैंडल एंगर लाइक अ एनर्जी सोर्स, वी कैन बी इन टाइप फोर. And if we let anger handle us, then we will be in the first three types, which is ultimately going to affect our health only. दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. हो सकता है आपका एक छोटा सा अटेम्प्ट उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक देखते रहिए हमारा चैनल एंड कीप थिंकिंग स्मार्ट विद प्रोफेसर बजाज. थैंक यू.